लोक समाज पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, ठेकेदारी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरीशंकर शर्मा एडवोकेट ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का महंगाई व बेरोजगारी से चोली दामन का साथ है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ना तो कम कर सकती है ना ही महंगाई कम कर सकती है, क्योंकि जिस नीति पर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है उसमें कहीं भी लोक कल्याणकारी भावना का समावेश नहीं है। पार्टी महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ 2014 के भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियां देश के बेरोजगार नौजवानों के लिए कोई विजन नहीं बना रही हैं, बल्कि उनके साथ ऐसा मजाक किया जा रहा है कि बीच में उनको पकौड़ा तलने की सलाह दी गई थी। मनमोहन सरकार के समय और उसके पहले भी महंगाई को नियंत्रित करने के लिए काला बाजारों और जमाखोरों के खिलाफ छापे की कार्रवाई की जाती थी, लेकिन पिछले 8 सालों में किसी भी जमाखोर या काला बाजारी के खिलाफ एक भी छापा नहीं डाला गया, बल्कि अब तो विपक्ष की पार्टियों के लोगों को डराने के लिए CBI और ED का धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है। नहीं चलेगा।